नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल वासवानी। दोस्तों, कल मेरा काफ़ी करीबी दोस्त, मेरा सत्संगी भाई भी इसी कोरोना में एडमिट था सिविल हॉस्पिटल में और नहीं बच पाया। तो कल सिविल हॉस्पिटल से फ़ोन आया था, उन्होंने बुलाया था कि आके डेड बॉडी लेके जाइए। दोस्तों, सिविल हॉस्पिटल में नीचे अंडरग्राउंड में डेड बॉडी, काफ़ी सारी लाशें पड़ी थी, वहाँ पर लेने गए। दोस्तों, कुछ सेवा भाव लोग सेवा कर रहे थे, डेड बॉडियाँ निकाल रहे थे और हमें दे रहे थे, ऊपर एम्बुलेंस तक उठा उठा के आ रहे थे। एम्बुलेंस से सूरत में जहांगीरपुरा में कुरुक्षेत्र है शमशान, वहाँ पर तकरीबन 8 से 10 लोग सेवा कर रहे थे। सिविल हॉस्पिटल में तकरीबन 10 से 12 लोग सेवा कर रहे थे। जानकारी के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी कल खुद देख के शॉक हो गया। सब के सब मुस्लिम्स थे। मुस्लिम्स, ये हमारे हिंदुस्तानी में, हमारे इंडियंस जो हमारे हिंदुस्तान की एक शान बान सेवा करके खड़े हैं, निःशुल्क निस्वार्थ सेवा, ऐसे कोविड में जो लोग बेचारे मर रहे हैं, उन लाशों को उठा रहे हैं, परिवार वालों को दिखा रहे हैं, किसी को चेहरा देखना है तो वहाँ दिखा रहे हैं, वहाँ से शमशान घाट पे लेके जा रहे हैं, वहाँ पर सेवा रख के, उनको खतरा नहीं है कोविड लगने का, फिर भी सेवा कर रहे हैं। हाथ जोड़ के नम्र नम्र विनंती है कि इन कोविड में जो जिनकी जैसी हेल्प कर रहे हैं ना, उस चीज़ को हम याद करें और याद रखें कि देखो, जब सब अच्छा हो जाएगा ना, तो इस जो हमारी कौम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो इतने सालों से हमारा हिंदुस्तान, हमारा इंडिया बना हुआ है, तो बाद में सब नॉर्मल होने के बाद एक दूसरे को गालियां नहीं दें, ये प्यार, ये नम्रता एक दूसरे के साथ इसी तरह बनाए रखें। जाके देखिए कि किस हालत में वो लोग उठा रहे हैं, दे रहे हैं, शमशान घाट में सेवाएं कर रहे हैं। सलाम है उन लोगों को, उनके संस्कारों को, कि वो लोग यहाँ पर आके सेवा कर रहे हैं। रियली सलाम है। दैट्स इट। थैंक यू।